दस मरतबा पढ़ोगे तो 100 रहमतें। अब आगे चलते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन, जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि अलफन, अल्लाह ताला उसके ऊपर 1000 रहमतें नाजल फरमाते हैं। 10 गुना हो गया ना, 1000 रहमतें। 100 मरतबा दुरूद पढ़ने पर कितनी रहमतें हैं? 1000 रहमतें हैं। वमन सल्ला अलैया अलफन, जो बंदा मेरी ज़ात पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़े, अब इसको 10 के साथ ज़रब दें तो कितना बन जाएगा? 10,000। 10,000 रहमतों का नज़ूल होगा 1000 मरतबा दुरूद पढ़ने पर। लेकिन ये इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा, आगे वाला जो इनाम अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है वो और भी कमाल का है। फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन, जो एक मरतबा पढ़ेगा अल्लाह 10 रहमतें नाजल फरमाएगा, जो 10 मरतबा पढ़ेगा 100 रहमतों का नजूल होगा, 100 मरतबा पढ़ेगा 1000 रहमतों का नजूल होगा, जो 1000 मरतबा पढ़ेगा 10,000 रहमतों का नजूल तो होगा ही होगा, साथ में जो इनाम है वो ये भी नसीब होगा। ज़ाहमत कतफहू कतफी अला बाबिल जन्ना, जो मोहब्बत के साथ दिन में 1000 मरतबा मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ेगा, जन्नत के दरवाजे पर वो यूं गुजरेगा कि उसका कंधा मेरे कंधे के साथ छू कर जाएगा। जन्नत के दरवाजे से यूं गुजरेगा कि उसका कंधा मेरे कंधे के साथ मस होकर आगे जाएगा, छू कर आगे जाएगा। अब इसका ये कोई छोटा इनाम है? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कंधे के साथ कंधा मस हो जाए तो इसका मतलब है हुजूर के साथ ही संगत भी नसीब हो जाएगी ना, जन्नत भी नसीब हो गई, संगत भी नसीब हो गई। ये बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा दर्जा है और बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाजी और मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हमारे साथ मोहब्बत है कि जब हम दुरूद मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं तो वो मारूम नहीं रहने देते, मोहब्बतों का भी समंदर हमें अता फरमा देते हैं। तो हमें दुरूद पढ़ना चाहिए ना, मैंने शुरू में कहा ज़रा मोहब्बत से दुरूद पढ़े ना ताकि मज़ा आए ना, पता चले कि किस तरह से दुरूद पढ़ते हैं। अब पढ़े दोबारा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन व अला आलिका व असहाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हज़रात सामईन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से तहरीक हय्या अलल फ़लाह के प्लेटफार्म से महाना 11वीं शरीफ के प्रोग्राम में हम तरबियती इस्लाही प्रोग्राम के हवाले से यहाँ हाज़िर हैं। अल्लाह जल्ला शानहू आपका मेरा इस महफिल में हाजिर होना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के ऊपर अपना ख़ास फ़ज़ल करम और अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाए। हुक्म जो मुझे मिला है उसके मुताबिक 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है, उसके हवाले से ही चंद बातें अर्ज़ करने की मुझे ड्यूटी सौंपी गई है, तो उस हवाले से ही मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। मोहब्बत से सुनिएगा, क्योंकि 11वीं शरीफ का मतलब ये होता है कि किसी अल्लाह के वली की बात छेड़ी जाए, अल्लाह के वलियों की बात की जाए, अल्लाह के प्यारों की बात की जाए, अल्लाह वालों की बात की जाए, तो उसकी तमहीद लेकर मैं जब आपके साथ आगे चलता हूँ तो इसमें हमारी और आपकी इस्लाह भी मौजूद है और इस इस्लाह को कबूल भी करना है हमारे लिए है। ये दर्स, ये सबक, ये चीज़ हमारे लिए है। अल्लाह जल्ला शानहू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की जो आयत करीमा मैंने अपने खुतबे के अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अल अखिल्लाओ यौमाइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुवुन इल्लल मुत्तकीन। अल अखिल्ला पहला लफ्ज़,
काबिल गौर है, पहला लफ्ज़ ही काबिल गौर है, अल अखिल्लाओ, ये खलील की जमा है, ये लफ्ज़ खलील की जमा है। और खलील किसको कहते हैं? खलील कहते हैं ऐसे जिगरी यार को कि जिसके बगैर इंसान को जो है ना वो थोड़ी देर भी, थोड़ा वक्त भी बिताना मुश्किल हो जाए, और अपना इतना गहरा हम साथी और यार और दोस्त कि जिसके साथ वो अपनी दिल की, घर की, हर किस्म की बात तकसीम कर सकता हो, शेयर कर सकता हो, और उसके साथ अपने दिल की बातें कह सकता हो, हर बात उसको बता सकता हो, और कह सकता हो कि ये मेरा वो यार है, दुनिया छोड़ सकता हूँ, इस यार को नहीं छोड़ सकता, इसको कहते हैं खलील। और उसकी जमा है अल अखिल्ला। इसमें एक पस मंज़र दिया जा रहा है इस आयत के अंदर, और पस मंज़र क्या है कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, उस दिन इंसान के सारे याराने, दोस्तियाँ सब ख़त्म हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का मुआविन नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कोई किसी के साथ उस वक़्त उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़कर सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी किसी के साथ तावन करने और मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी को इस आयत में बयान किया जा रहा है कि जहाँ तक के तुम्हारे करीबी यार भी तुम्हें छोड़ जाएंगे, अल अखिल्लाओ, जो तुम्हारे करीबी दोस्त, यार, सज्जन, बेली, वो जो होंगे जिनके बगैर तुम्हारा दुनिया के अंदर रहना मुश्किल था, मुहाल था, टाइम पास करना मुश्किल था, वो भी उस दिन तुम्हारे साथ छोड़ जाएंगे। यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव, वो एक दूसरे के उस दिन दुश्मन नज़र आएंगे। देखो ना, आज दुनिया के अंदर हमारा और आपका क्या मामला है कि जब हम किसी अच्छे प्यारे को, जो हम जिसको हम चाहें कि ये हमारा बहुत करीबी यार है जी, बड़ा प्यारा सज्जन है जी, इसको मैं जो कहूँ ये करने को तैयार, अगर उसी के साथ काम पड़ जाए और वो काम करने से इनकार कर दे तो दिल में क्या गुजरती है? होता है ना यार, इस पर ये उम्मीद नहीं थी, इसने ऐसा नहीं करना था, इसके पास ये काम इसने नहीं करना था, ये ठीक नहीं किया इसने, कम अज़ कम दिल के अंदर ये चीज़ ज़रूर पैदा हो जाती है कि अब इसको ये दोबारा काम नहीं कहना मैंने, और ना भी सही छोड़े, ना भी सही तल्लुकात ना भी ख़त्म करे, तो ये ज़रूर चली जाती है कि इसने अच्छा नहीं किया, मैंने इसके साथ कितने काम किए, कितनी इसके साथ मैंने यारी निभाई, ये इस टाइम पर आकर जब मैं मुश्किल में था, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसने मेरा काम नहीं किया, ये कम अज़ कम दिल में दुनिया के अंदर ख्याल आता है। जब कल क़यामत के दिन हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें छोड़ जाएगा तो उससे बड़ा उस वक्त दुश्मन कौन होगा? इसी कैफियत को बयान किया जा रहा है, अल अखिल्लाओ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव, उस दिन ये सारे यार बेली सज्जन एक दूसरे के क्या होंगे? दुश्मन महसूस होंगे, दुश्मन लग रहे होंगे, दुश्मन बन चुके होंगे। ये तो यार बेली तो बाहर की बात है यार, इससे भी आगे की एक कैफियत अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाई है, और वो क्या है? करीबी रिश्तेदार भी इंसान को छोड़ जाएंगे। और करीबी रिश्तेदारों में कौन आता है? माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, ये इंसान के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए इंसान के सबसे करीबी रिश्तेदार अगर दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो यही पाँच छः रिश्ते हैं, इनके बाद जो रिश्ते आते हैं वो दूसरे तीसरे नंबर के कहलाते हैं, चचा हो, फूफी हो, मासी हो, खाला हो, मामू हो, भतीजा हो, भांजा हो, पोता हो, पोती हो, नवासा नवासी, सब ये दूसरे नंबर पर चले जाते हैं, तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, पहले नंबर पर करीबी रिश्तेदार जो इंसान के वो यही हैं। और इस कैफियत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कि कयामत का जो दिन है ना, वो सिर्फ यारों, दोस्तों, सजनों, बेलियों का ही नहीं कि वो साथ छोड़ जाएंगे, उस दिन तेरी माँ भी तेरा साथ छोड़ जाएगी, तेरा बाप भी तेरा साथ छोड़ जाएगा, तेरी बीवी,
बच्चे तेरा साथ छोड़ जाएंगे, तेरे भाई तेरा साथ छोड़ जाएंगे, तेरे सारे करीबी रिश्तेदार तुमसे दूर भागते हुए नजर आएंगे और नफसी नफसी का नारा लगाकर तुमसे दूर हो जाएंगे। यहां तक कि वो मां की बारगाह में जब हाजिर होगा तो मां से भी उसको मायूसी मिलेगी, बाप से भी मायूसी मिलेगी, भाई से भी मायूसी मिलेगी, सबसे मायूसी मिल जाएगी और उस दिन कोई काम नहीं आएगा। ये सारे एक दूसरे के दुश्मन नजर आएंगे और दुश्मन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस आलम में कि जब कोई मददगार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई तावन करने वाला नहीं है, इल्लल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाता है एक गिरोह ऐसा होगा, एक जमात ऐसी होगी, एक ग्रुप ऐसा होगा जब तुम्हें सारे लोगों से तुम मायूस हो जाओगे, सारे तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, सारे तुम्हारे उस दिन दुश्मन बन जाएंगे, एक ग्रुप ऐसा होगा, एक गिरोह ऐसा होगा, एक जमात ऐसी होगी जो उस दिन भी तेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर रखेगी, उस दिन भी तेरे साथ तावन करेगी, उस दिन भी तेरे साथ प्यार का ताल्लुक निभा रही होगी, उस दिन भी तुम्हारे साथ अच्छाई का रिश्ता कायम रखी होगी, उस दिन भी तुम्हारे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखेगी, उस दिन भी तुम्हारे काम आ रही होगी, उस दिन भी तुम्हारी पुरसाने हाल होगी, उस दिन भी तुम्हारे साथ तावन कर रही होगी, तुम्हारी मदद कर रही होगी। और वो लोग कौन है? इल्लल मुत्तकीन, वो मुत्तकी लोग हैं, वो परहेजगार लोग हैं, वो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, वो लोग हैं कि जिनके दिल के अंदर अल्लाह का डर हुआ करता था, वो लोग हैं कि जिनकी सुबह शाम अल्लाह के डर और खौफ में बीता करती थी, वो लोग हैं कि जिनकी सुबह और शाम अल्लाह के जिक्र में गुजरा करती थी, ये वो लोग होंगे कि जो सुबह उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते उठते थे, रात को सोया करते थे तो अल्लाह का जिक्र करते करते सोया करते, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम रुक्अन सुजदा, ये वो लोग थे जिनकी सुबह शाम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरा करती थी, जिनकी रातें इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने तक के लिए अल्लाह के बारगाह में क़ियाम और सुजूद में गुजरा करती थी, ये वो लोग थे जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले लोग थे, ये वो लोग थे जिनके साथ अल्लाह मोहब्बत फरमाता था, और यही वो लोग हैं जो कल क़यामत के दिन आपके काम आएंगे। और उन्हीं का जिक्र करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं, और उन्हीं में से हुजूर शेख उल आज़म शेख हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते अकदस है कि जिनका जिक्र करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। इन अल्लाह वालों के साथ जब मोहब्बत की जाती है तो कोई इंसान मारूम नहीं रहता, जब अल्लाह वालों के साथ प्यार किया जाता है तो फिर अल्लाह वाले भी मारूम नहीं रहने देते, और अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह भी मारूम नहीं रहने देता। अल्लाह जल्ला शान वो भी करम फरमाता है, हदीस पाक में आता है कल जब कयामत का दिन होगा मुनादी करने वाला निदा देने वाला निदा देगा और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम देगा, अइनल मुतहाब्बून फिल्लाह बेजलाली व जिल्लुहुम फी जिल्ली यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्ली। फरमाया कि वो लोग कयामत के दिन एक निदा देने वाला निदा देगा और कहेगा, वो लोग कहाँ हैं जो अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे के साथ प्यार किया करते थे, अल्लाह को राजी करने के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया करते थे, वो लोग कहाँ हैं जो अल्लाह के साथ अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह वालों के साथ अपना रिश्ता कायम किया करते थे। अल्लाह की कसम उठाकर, अल्लाह अपने जलाल की कसम उठाकर फरमाता है, आज वो कहाँ हैं, खड़े हो जाएं, जब कोई साया नहीं है मेरे अर्श के साए के अलावा, मैं उनके ऊपर कर्म ये करता हूं जो मेरी रजा के लिए मोहब्बत करने वाले हैं, आज उनको अपने अर्श का साया अता फरमाता हूं। जब कोई साया नहीं है उस साए के, उस दिन के अंदर जब कोई साया मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला अपने करम का साया अता फरमाएगा, अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये करम है अल्लाह का। देखो अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने पर अगर इतना अजर है तो बताओ खुद अल्लाह के साथ मोहब्बत करने पर कितना अजर होगा। ये अल्लाह वालों आपस में, आप और मैं मोहब्बत करें ना, आपका मेरा ताल्लुक क्या है,
आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मेरी आपके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, आपकी मेरे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, और अगर ताल्लुक है तो एक ही है, वो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के दीन की खातिर यहाँ जमा है, यही ताल्लुक है ना, अल्लाह के दीन की खातिर जमा है, और आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं, ये अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, ना आपके साथ मुझे कोई लालच है, ना आपको मेरे साथ कोई लालच है, इसी मोहब्बत की बात की जा रही है। और हुजूर फरमाते हैं एक और हदीस पाक में, लव अन्ना अब्दैनी वाहिदुन फिल मशरिक व वाहिदुन व आखर फिल मगरिब, दो लोग ऐसे जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं लेकिन दूरी इतनी, सफर इतना कि एक मशरक में रहता है एक मगरब में रहता है, दूरों दूर ही दूर हैं, आपस में कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, लेकिन नाम उसका ये जानता है, ये उसका जानता है, अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। लजमा अल्लाह बैनहुमा यौमल कयामा, ये मशरक वाले को मगरब वाले के साथ अल्लाह ताला कयामत वाले दिन जमा करके फरमाएगा, यकूलो हाज़ल लज़ी कुंता तुहिब्बुहु फिया, ये दोनों को इकट्ठा करके फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है जो मेरी रजा के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करते थे। देखो ना, एक मशरक में है एक मगरब में है, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत किस बुनियाद पर है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए उससे मोहब्बत की जा रही है। तो अल्लाह ने मालूम नहीं रखा, फरमाया तू मशरक में था तो भी मेरी रजा के लिए उससे मोहब्बत करता रहा, तू मगरिब में था तो मेरी रजा के लिए इसके साथ मोहब्बत करता रहा, जब मेरी रजा के लिए थे तो आओ आज अपना इनाम वसूल कर लो, तुम एक दूसरे की जियारत भी करो, एक दूसरे के साथ मुलाकात भी कर लो, ये मोहब्बत का सिला होगा। ये अब हुजूर गौसे आजम कहां है, हम में से किसी ने तो नहीं देखा उनको, जाहिरी तो किसी ने नहीं, और शायद इक्का दुक्का हम में से कोई बगदाद गया, मगर ना कोई बगदाद भी नहीं गया, कोई गया शायद, कोई भी नहीं गया। तो यहाँ हम ग्यारहवीं का नाम हुजूर गौसे आजम का नाम अलापते हैं हर महीने, तो ये क्या है, ये वही मोहब्बत है जो अल्लाह की रजा के लिए हम कर रहे हैं, जो वाहिद मशरक वाहिद मगरब, मशरक और मगरब में है, जानते भी नहीं मिले भी नहीं, सिर्फ नाम जानते हैं और अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कयामत वाले दिन उनको जमा करता है, हम हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कयामत वाले दिन हमें हुजूर गौसे आजम से मौला देगा, ये मोहब्बत का सिला है। और हुजूर ने फरमाया अलमर व मा मन अहब्बा यौमल कयामा, आदमी कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिससे वो इंसान दुनिया में मोहब्बत करता होगा, फरमाया सारे साथ छोड़ जाएंगे लेकिन सिर्फ ये ग्रुप है, ये एक वाहिद जमात है जो तुम्हारी कयामत वाले दिन भी सिफारिश करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तुम्हारे बारे में तआवुन मदद करते हुए अल्लाह की बारगाह में शिफात करेंगे और तुम्हें अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के कहर से, अल्लाह की नाराजगी से तुम्हें बचाकर अल्लाह की बारगाह से रजा का सर्टिफिकेट हासिल करवा के जन्नत ले जाएंगे, जन्नत ले जाएंगे। एक हदीस पाक में आता है अन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इबादन युदाओ लाहुम यौमल कयामत अल मनाबिरो, कयामत का दिन आएगा ना, कुछ लोग अल्लाह के ऐसे होंगे, कुछ बंदे अल्लाह के ऐसे होंगे कि उनके लिए कयामत के दिन मिंबर सजाए जाएंगे, मिंबर लगा दिए जाएंगे। ये कमाल की बात नहीं है, हम यहाँ जलसा करते हैं, मीटिंग करते हैं तो स्टेज लगता है, स्टेज के ऊपर 5, 6, 10, 12 कुर्सियां लगा दी जाती हैं और जहन में क्या होता है, फलां फलां बंदे को इन कुर्सियों पर बिठाएंगे, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना कि फलां फलां इंसान जो हमारी महफिल के होंगे हम उनको इज्जत के तौर पर इस स्टेज की जीनत बनाएंगे, वह उनके बैठने से हमारी जीनत बन जाएगी, उनको भी इज्जत मिल जाएगी, यही बात है ना। अब जब अल्लाह मिंबर सजाएगा
अब जब अल्लाह मिंबर लगाएगा, कयामत का दिन है और उन लोगों के लिए मिंबर लग रहे हैं, तो बताओ ना उन लोगों को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी होगी, कितना उनके ऊपर अल्लाह का करम होगा, कितना उनके ऊपर अल्लाह का फजल होगा, कितना अल्लाह उनके ऊपर राजी होगा। मिंबर लगेंगे और फरमाया यकउदून अलैहा, ये लोग जिनके लिए मिंबर लगेंगे ना, ये इन मिंबरों के ऊपर बैठेंगे, और बैठेंगे ना, हालत क्या है, कैफियत क्या है, फरमाया हुम कौमुल लिबास हुम नूर, ऐसे लोग हैं उनके चेहरे भी नूरानी हैं, उनके लिबास भी नूरानी हैं, उनके चेहरे भी नूरानी हैं, उनके लिबास भी नूरानी हैं। कितनी किस्मत है उन लोगों की कि वो चेहरे भी नूरानी, लिबास भी नूरानी, मेंबर भी अल्लाह ने लगाए हैं तो मेंबर भी तो नूरानी ही होंगे ना, मेंबर भी तो नूरानी होंगे ना, इतना करम इतना फजल। सहाबा ने अर्ज की मानो हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फिर वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इतना करम हो रहा है, इतना फजल हो रहा है, इतना राजी है कि उनको लिबास भी नूर का दिया जा रहा है, उनके चेहरे भी नूर के हैं, मिंबर भी नूरानी दिए जा रहे हैं, और उनके लिए स्टेज के ऊपर मिंबर भी सजाए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुतजावरून फिल्लाह वल मुतजालसून फिल्लाह वल मुतबाज़लीन फिल्लाह, ये वो लोग हैं जब मिलते थे मुलाकात करते थे तो अल्लाह की रजा के लिए किया करते थे, जब मजलसें किया करते थे तो अल्लाह की रजा के लिए किया करते थे, अगर कुछ खर्च किया करते थे तो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया करते थे। हमारा यहाँ मिल बैठना किसके लिए, यहाँ हम सब क्यों आए हैं, और जिक्र किसका कर रहे हैं, अल्लाह वालों का, और अल्लाह वालों में किसका जिक्र कर रहे हैं, हुजूर गौसे आजम का। तो ये मुलाकात नहीं, ये मजलिस नहीं, ये किसके लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे के साथ मिलते होंगे, एक दूसरे के साथ बैठा करते होंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करते होंगे, एक जब कोई खर्च किया करते होंगे तो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया करते होंगे, मैंने इस पर खर्च किया, इसने मेरे ऊपर खर्च किया, तमन्ना सिर्फ एक ही है अल्लाह राजी हो जाए। फरमाया मेरे लिए मुलाकातें करो, मेरे लिए मजलसें करो, मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करो, तो मैं तुम्हें मारूम नहीं रहने दूंगा, करम यह करूंगा कि आमद वाले दिन मिंबर भी नूरानी लगाऊंगा, चेहरे भी नूरानी दूंगा, लिबास भी नूरानी अता फरमाऊंगा। मेरे लिए मिलो, मुलाकात करो मेरी रजा के लिए, जब मेरे लिए मिल बैठना होगा ना तो फिर मैं तुम्हें महरूम नहीं रहने दूंगा। और ये लोग वाकई महरूम नहीं रहने देते, ये तो अल्लाह वालों की बात है ना। हम जैसे लोग जो हैं, अल्लाह करे क्या हमारे अंदर जहाँ 40 लोग होते हैं वहाँ अल्लाह का वली होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 40 तो तकरीबन हम बन गए हैं, एक वली तो अल्लाह का ज़रूर बैठा है हम में। अब ये कौन है ये मुझे भी नहीं पता, और शायद उसको भी ना बताओ, एक अल्लाह का वली ज़रूर है जहाँ 40 लोग बैठे होते हैं। बहरहाल अल्लाह वाले तो अलग है, ये जो हम बैठे हैं ना, हम एक दूसरे के साथ जब मोहब्बत करते हैं ना तो अल्लाह हमें मारूम नहीं रहने देता, तो अल्लाह वालों की बात तो बहुत आगे की है। कयामत का दिन है, आखिरी बात करके इजाज़त लेना चाहूँगा, कयामत का दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आदमी को बुलाएगा, नेकियों का बुराइयों का हिसाब होगा, जब होगा तो ज़ाहरी बात है उसने दुनिया के अंदर नेकियां कम की थी, गुनाह ज़्यादा किए थे, तो गुनाह वाला पलड़ा भारी हो गया, नेकियां वाला कम पड़ गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। ये बात सुनने की है, मेरी पूरी तकरीर का एक कह लो के खुलासा भी है। अल्लाह फरमाएगा कि इसको जहन्नम ले जाओ, अब वो जहन्नम की तरफ जब जाने लगेगा ना तो रुक जाएगा, फरिश्ते कहेंगे चलो तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दे दिया है हम तुम्हें जहन्नम लेकर जाएंगे, वो कहता है मुझे एक दफ़ा अल्लाह की बारगाह में और हाज़िरी दो, मैं अल्लाह की बारगाह में एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। निदा आती है कि इसको ले आओ,
जब वापस जाता है तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, मौला मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं कुछ नेकियों का इंतज़ाम कर लाता हूँ। पहली वाला तमहीदी जुमले जेन में रखिए, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, बाप बहन भाई बीवी बच्चे भाइयों सब लोग उस दिन भाग रहे होंगे। ये सारी बात जेन में रखिए और आप इस बात को सुनिए कि मैं कुछ नेकियों का इंतज़ाम करके लेके आता हूँ। अल्लाह फरमाएगा जा तुम्हें मौका दिया, मोहलत दी, जाओ तुम नेकियों का इंतज़ाम कर सकते हो तो करके ले आओ। वो अब चूँकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्यार करने वाले रिश्ते हैं वो दो ही हैं, या बाप है या माँ है। बाप और माँ सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह की मर्ज़ी है जो हो जाए। औलाद भी वो प्यार नहीं करती माँ बाप के साथ, बीवी बच्चे भी नहीं करते, बहन भाई भी नहीं करते। आजकल तो सिर्फ लालच हमारे अंदर पड़ गया है, लालच की बुनियाद पर प्यो भी है बाप भी है, नहीं है तो फिर ना सही। लालच है तो भाई भी बड़ा करीबी है जी हमारा, बड़ा प्यारा भाई है जी हमारा, अगर उसके पास कुछ नहीं बस जी फकीर है जी हमारा, इसके साथ कोई नहीं तल्लक वास्ता। ये हालत है हमारी इस वक्त मुआशरे की। हालाँकि हमें पैसों के साथ नहीं अपने रिश्तों के साथ प्यार करना चाहिए, हमें दुनिया के मालो मता के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहिए। और यही प्यार की बात इस बात के अंदर पाई जा रही है। हुजूर फरमाते हैं कि वो सबसे पहले जाएगा अपनी माँ के पास, किसके पास जाएगा, और माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती है, बाप भी प्यार करता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती है। अब वो माँ के पास जाएगा और जाकर कहेगा अम्मा जान मैं तेरा वो लाज दुलारा राज दुलारा कि जब मैं थोड़ा सा बीमार होता था ना तो तू परेशान हो जाती थी, मुझे कुछ तकलीफ़ होती थी तू बेचैन हो जाती थी, अम्मा जान मैं तेरी आंखों का नूर, तेरी आंखों का आंखों की ठंडक जिसको देखकर तेरे दिल को चैन मिलता था, मैं वही तेरा प्यारा बेटा जब मेरे पाँव में कांटा चुभा करता था तो तेरे रातों की नींद हराम हो जाया करती थी, तेरा वही प्यारा बेटा जब सर्दियों की यख ठंडी रातों के अंदर मैं बिस्तर पर पेशाब करता था मुझे उठाकर खुशक भी किया करती थी, खुशकी कर भी पर भी डाला करती थी, खुदरी पर जो है वो सोया करती थी, मेरे लिए अपने आराम को तू हराम कर दिया करती थी। माँ आज तेरा वही प्यारा बेटा परेशान है, आज वही तेरा प्यारा बेटा अल्लाह के आराम में है, अल्लाह की पकड़ में है, आज मुझे कुछ नेकियों की जरूरत है, माँ मुझे नेकियां अता फरमा दे ताकि मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। लेकिन उस आयत के मुताबिक आगे से जवाब क्या मिलेगा, बेटा आज नहीं, आज नहीं, आज तो मुझे खुद नेकियों की जरूरत है, आज मैं तुम्हें नेकियां कहां से दूं, आज मैं तेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकती, आज मैं तुझे नेकियां नहीं दे सकती, मैं तो खुद परेशान हूं, मेरी तो खुद नेकियां कम है, मुझे तो खुद और नेकियां चाहिए, मैं तुझे नेकियां नहीं दे सकती। वो माँ से मायूस हो जाएगा, बाप के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, बीवी बच्चों के पास जाएगा, हर करीबी रिश्तेदार के पास जाएगा, फिर हर करीबी यार के पास भी जाएगा, दोस्त के पास भी जाएगा, हमराज के पास भी जाएगा, अपने प्यारों के पास भी जाएगा। लेकिन सबसे मायूसी हो जाएगी ना जब, तो पलटेगा, अल्लाह की बारगाह में आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म फरमाएगा, अच्छा अब तुम्हें कोई नेकी नहीं मिली, नहीं मिली, चलो जी अब फिर हुक्म होगा इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब वो बात आई है कि अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले रहे, हमारी मोहब्बत भी कल कयामत के दिन काम आएगी, जब फिर दोबारा जहन्नम ले जाया जा रहा होगा ना तो रास्ते में एक दोस्त उसको मिल जाएगा और वो कहेगा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, किधर, क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, वो कहेगा अल्लाह ने हुक्म दे दिए मैं जन्नत जा रहा हूँ, नेकियाँ कम पड़ गई, मैंने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे दोस्त यार सबको आजमा लिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, मायूसी के आलम में फिर हुक्म यही हुआ है कि अब मैंने जहन्नम का हुक्म मिल गया है मैं जहन्नम जा रहा हूँ। वो दोस्त कहेगा दुनिया में तेरी मेरी मुलाकात तो एक दो दफ़ा ही हुई है लेकिन हुई अल्लाह की रजा के लिए,
हुई अल्लाह की रजा के लिए है। जा आज मेरे पास भी नेकियां तो कम ही हैं, लेकिन इतनी नहीं कि मैं जन्नत जाऊं, लेकिन इतनी है कि तू ले जाए तो तू जन्नत जा सकता है। जा मैंने अपनी सारी नेकियां तुम्हें दी, कम से कम तू तो जन्नत जा सकता है। ये वो आदमी है जिसने दुनिया में आम इंसान के तौर पर एक दूसरे के साथ मुलाकात की तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की है, अल्लाह को राजी करने के लिए की है, दुनिया के मतलब के लिए नहीं, दुनिया के लालच के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए एक मुलाकात को उसने उस दिन इतना फायदेमंद बनाया। कहा मेरी नेकियां तू ले जा, मैंने तो जन्नत जाना ही जाना है, कम से कम मेरी इन नेकियों से तू तो जन्नत चला जाएगा ना। वो नेकियां लेगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह जन्नत में जाने का फैसला सुनाएगा, वो चल पड़ेगा जन्नत की तरफ। जब जाने लगेगा ना तो दिल में ख्याल आएगा, यार ये कोई इंसानियत है, ये कोई मर्दानगी है, ये कोई अच्छाई है कि जिसने तेरे साथ उसने सलूक किया, तुझे जहन्नम से बचाया, तुझे अल्लाह की पकड़ से बचाया, तुझे आज अल्लाह के कहर से बचाया, वो जहन्नम जा रहा है, तू जन्नत जा रहा है, वापस पलटता है, अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करता है मौला उसने मुझे बचाया, अगर मेरी शिफात कबूल फरमाता है तो मेरी शिफात के मुताबिक उसको भी जन्नत अता फरमा दे, नहीं तो फिर मुझे भी जहन्नम अता फरमा दे। अब अल्लाह की बारगाह से जवाब क्या आता है, अल्लाह फरमाता है अरे इंसान होकर तेरे साथ थोड़ी सी जान पहचान हुई, थोड़ी सी मुलाकात हुई, थोड़ा सा तेरे साथ उसका बैठक हुआ, थोड़ा सा तुम्हारे साथ मजलिस हुई, थोड़ा सा वक्त था तुम एक दूसरे के साथ बैठे, थोड़ी सी जान पहचान हुई, तुम्हें गवारा नहीं कि वो जहन्नम जाए, तो मैं तो रहमान हूँ रहीम हूँ, 60 साल जिंदगी इसने गुजारी, मेरी इबादत भी करता रहा, मुझे जानता भी रहा, मुझे पहचानता भी रहा, मेरा जिक्र भी करता रहा, मेरी बारगाह में सजदे भी करता रहा, अब मैं क्यों कैसे इसको जहन्नम भेज सकता हूं, जा तू भी जन्नत चला जा, इसको भी जन्नत लेकर चला जा। क्या कमाल की बात है, ये आम इंसान है, जब आप और मैं एक दूसरे के साथ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करें तो कल कयामत के दिन हम एक दूसरे के काम आएंगे, तो जब अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करेंगे तो फिर क्यों ना वो हमारे काम आएंगे। तो जब अल्लाह वालों में भी हम हुजूर गौसे आजम से प्यार करते हैं, उनका नाम अलापते हैं, तो फिर वो क्यों ना हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर फरमाएंगे। अल अखिल्लाओ यौमाइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, सारे करीबी यार दोस्त क़यामत वाले दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगार लोगों के, अल्लाह वालों के, कि वो क़यामत के दिन भी तुम्हारे काम आएंगे। अल्लाह जल्ला शानहू हमें इन अल्लाह वालों की निस्बत भी अता फ़रमाए, इन अल्लाह वालों के साथ जो मोहब्बत करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, और बिलखसूस ये कि जो अल्लाह वाले बनते हैं हमें वो अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, इन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इन लोगों की सीरत और सूरत को समझकर उसके ऊपर अमल करने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।